चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ का वाइस चेयरमैन शेर बिन जहीद के हमरा ईद उल जहा के तीसरे रोज तफसीली दौरा सफाई सुथराई और आलाइश ऑपरेशन पर मामूर जिम्मेदार महकमों के अफसरान अमले से मुलाकात चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ और म्यूनसिपल कमिश्नर माजिद अली ईद के तीनों रोज आलाइश ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए मैदान अमल में मौजूद रहे। आवाम को साफ सुथरे माहौल की फरहमी में किसी भी किस्म की कोताही ना बरती जाए अफसरान और मुलाजमीन को तरबिया न्यू कराची टाउन में ईद उल जहा के तीनों दिन लाखों आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ कराची चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने वाइस चेयरमैन शेर बिन जहीर के हमरा ईद उल जहा के तीसरे रोज तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने न्यू कराची टाउन में कायम मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट और शिकायती मराकज पर सफाई सुथराई और आलाइश उठाने के बाद चूने के छिड़काव के काम का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक अहमद डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन खालिद शेख सैनिटेशन ऑफिसर रेहान कुरैशी व दीगर मुतल्लिका अफसरान भी उनके हमरा थे। सफाई सुथराई और आलाइश ऑपरेशन पर मामूर जिम्मेदार महकमों के अफसरान और अमले से मुलाकात की। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने आलाइश उठाने और उन आलाइशों को ठिकाने लगाने पर अफसरान अमले की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते कहा कि कुर्बानी के जानवरों को आलाइशों को बरवक्त उठाने का काम मजीद तेज किया जाए जबकि आलाइशें उठाने के बाद चूने के छिड़काव को भी यकीनी बनाया जाए ताकि जरासीम का खात्मा मुमकिन हो। न्यू कराची टाउन में सफाई सुथराई के निजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम तरह सलाहियतों को बरकरार लाया जाए। उन्होंने कहा कि न्यू कराची टाउन में आलाइश ऑपरेशन 98% मुकम्मल कर लिया गया है और जो बाकी रह गया वो भी आज रात तक इंशाल्लाह कम्प्लीट कर लिया जाएगा।